अनूपपुर जिले के भालूमाड़ा थाना क्षेत्र में केवई नदी से चल रहे अवैध रेत परिवहन में एक व्यक्ति की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मृतक रेत ढुलाई करने के लिए वाहन लेकर भालूमाड़ा की खदान पर गया था, जहां से रेत ट्रॉली में लोड कर घाट चढ़ाते समय इंजन और ट्रॉली के बीच का कपलर टूट गया, जिससे लोड ट्रॉली के पीछे खिसकने के कारण ट्रैक्टर पलट गया और उसके नीचे दबने से व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं इस घटना के बाद खनिज अधिकारी ने कहा कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मेरी मतलब मैंने क्या है, वो जो गाड़ी वाले हैं, क्या नाम है? अजय शर्मा। हाँ, उन्हीं का। तो हम लोगों को 1 बजे करीबन फोन से सूचना मिली थी, मुंशी जी के पास फोन आया रहा कि रेत खदान में, यहाँ बालूमाड़ा के आगे कहीं रेत खदान के वो नदी में। तो हम आके देखे तो एक व्यक्ति ट्रैक्टर के पलटने से और दब के और ख़त्म हो गया था। जब तक व्यक्ति भागीरथी सिंह गोंड है, उसके बारे में जानकारी नहीं है कि वैध है कि नहीं। यहाँ तो टेंट टेंट लगा के लोग पर्ची काट के और वो देते थे, बता रहे हैं। रेत भरी थी ट्राली में, अब खींचा ट्रैक्टर वो ड्राइवर, तो उसकी जो जॉइंट होता है वो टूट गया और टूटने से वो रिवर्स होके पलट गई, पलटने से वो स्टीयरिंग में दब के खत्म हो गया। और हम लोग संबंधित थाने से जानकारी ले रहे हैं। जानकारी के पश्चात में देखा जाएगा कि अगर समय सीमा में खनिज अधिकारी पास होगा, संबंधित रेत ठेकेदार द्वारा जारी किया गया होगा, तो कारण बताओ सूचना पत्र जारी करके उसके संबंध में अग्रिम कार्रवाई करेंगे। यदि अनुमान पास पे दिए गए समय के बाद अगर परिवहन किया जाना पाएगा तो संबंधित वाहन मालिक के विरुद्ध भी कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।